एमएलए पर ड्रग्स तस्करी का केस दर्ज हुआ। गिरफ्तारी पर कलेश लगातार मचा हुआ है और खैरा मामले में पंजाब सरकार का अब नया बयान सामने आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस विधायक खैरा की गिरफ्तारी पर पंजाब सरकार का बयान। 2015 के ड्रग्स तस्करी केस में गिरफ्तारी। ड्रग्स तस्करी केस में अहम सबूत मिले थे। सबूतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और सेशन जज के आदेश पर एसआईटी का गठन भी किया गया। पंजाब पुलिस डीआईजी स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में गठन किया गया है एसआईटी का। एसआईटी जांच में ड्रग्स तस्करी में शामिल होने के सबूत मिले हैं और उसके बाद जाकर के खैरा की गिरफ्तारी हुई है। तो ये सरकार की तरफ से पंजाब के बयान दिया गया है खैरा की गिरफ्तारी को लेकर के। ड्रग्स तस्कर गुरदेव को 10 साल की सजा, ये भी जानकारी आपको दे दें। सुखपाल खैरा का बेहद करीबी है गुरदेव, राजनीतिक संरक्षण से बच रहा था सुखपाल खैरा। और अब ये पंजाब सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया, उस बयान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वक्त आपके सामने हैं। खैरा जब गिरफ्तार हुआ, पंजाब सरकार का बयान सामने आता है। सुखपाल खैरा की नशा तस्करी मामले में गिरफ्तारी हुई है। 2015 के एनडीपीएस मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि ड्रग्स तस्करी केस में अहम सबूत मिले थे जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। सबूतों के आधार पर पुलिस की यह कार्रवाई हुई है। एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है इस पूरे मामले पर, वो भी जांच पड़ताल कर रही है। सेशन जज के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस डीआईजी स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, खैरा गिरफ्तार हो चुका है और इसको लेकर के पंजाब सरकार की तरफ से ये बयान दिए गए हैं। पंजाब कांग्रेस विधायक खैरा की गिरफ्तारी पर दिल्ली के कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने विधायक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस कार्रवाई का गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी नसीहत दी है, सुनिए। मेरे साथ कांग्रेस से सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद हैं। सर, जो कार्रवाई की गई है सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ, क्या कहना है उसको लेकर? देखिए, ये कार्रवाई बहुत निंदनीय है और पार्टी ने खुल करके इस पे अपना रोष जाहिर किया है। पूरी पार्टी सुखपाल सिंह खैरा जी के साथ खड़ी है, चूँकि वो किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसानों की लड़ाई पंजाब से लेकर के दिल्ली तक और पूरे देश में लड़ते रहते हैं। तो जो सुलूक किसानों की लड़ाई लड़ने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है, वही सुलूक जो है वो पंजाब की सरकार भी कर रही है। ये निंदनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी प्रदेश अध्यक्ष से बात की है और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बात करेंगे। ये जो प्रतिशोध की लोकल लेवल पर राजनीति है भगवंत मान जी की, वो यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी। तो अब आपको इस वक्त की तीन तस्वीरें दिखा देते हैं जो बेहद अहम है। पूरी खबर आपको इन तस्वीरों के जरिए समझ में आएगी, आपको समझाते हैं। दरअसल ड्रग्स तस्करी मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और सुबह सुबह पुलिस ने सुखपाल खैरा के चंडीगढ़ वाले घर में रेड की और फिर खैरा को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस विधायक खैरा के बीच में जमकर बहस भी हुई है और खैरा ने सीएम भगवंत मान पर आरोप लगा दिया। कहा कि भगवंत मान दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हैं। ये तीन तस्वीरें उसी घटनाक्रम के इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी, एनडीपीएस केस में गिरफ्तारी हुई है। 2015 का यह पूरा मामला है। हालांकि एसआईटी का भी अब गठन कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की तरफ से यह बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। तो सुखपाल खैरा के बेटे मेहताब सिंह ने इस पूरे मामले को बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आज पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके बेटे मेहताब खैरा हमारे साथ हैं। मेहताब जी, किस समय पुलिस आई थी और क्या कारण है गिरफ्तारी का? सर, गिरफ्तारी का कारण सियासी बदलाखोरी है। मेरे फादर पंजाब, पंजाबियत और पंजाबियों के लिए सच बोलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जब किसी ड्रग्स ओवरडोज से किसी नौजवान की मौत होती है तो पंजाब के हर कोने में सुखपाल सिंह खैरा जाते हैं। जब आम आदमी पार्टी की एमएलए एक एनआरए की कोठी पे नजायज़ कब्जा करते हैं, उस एनआरए की मदद के लिए सुखपाल सिंह खैरा जाते हैं। ऐसे ही जब कोई नजायज़ माइनिंग होती है या कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम सरकार आप खुद करती है, उसको उजागर करते हैं, जगजार करते हैं सुखपाल सिंह खैरा। इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी सुबह 6 बजे हमारे घर से हुई।
कौन सा केस है ये बता रहे हैं कि बदलाखोरी का केस है, इसको क्यों कहा जा रहा है बदलाखोरी का? वो बोल पुलिस बोल रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें जो है ड्रग का मामला था इसलिए गिरफ्तार किया है। ये जो केस जिसका ये जिक्र कर रहे हैं ये FIR 2015 की 35 नंबर FIR सदर जलालाबाद थाने में। इस FIR में मेरे फादर का नाम नहीं था। इस FIR में ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद जो दोषी थे, दोषियों को 20-20 साल की शायद सज़ा हो चुकी है, वो अब 20 में से 8 साल सज़ा काट चुके हैं। अब जो मेरे को सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी इस केस में किसी ने सुखपाल सिंह खेरा का नाम लिया अपने बयान में, बयान गुरदेव सिंह के या किसी के हुए मार्च 2015 में, 2017 में उनको सज़ा होगी, सज़ा होने के बाद तो उनका बयान ही कोई लेने जाएगा। सो ये एविडेंस सारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद हमें समन किया गया 2017 में, उस समनिंग ऑर्डर को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जोशी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, जहां ये कार्रवाई सुबह सुबह हुई है और खेरा को गिरफ्तार किया गया है। मनोज, इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, अपडेट आपके पास? 2015 का मामला और अब 2023 में जाकर के इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से, इतनी देरी के पीछे की भी वजह क्या? नहीं देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फाजिलका है उनके द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था 13 अप्रैल 2023 को, इसी साल में अप्रैल महीने में पास किया था। उसमें कहा था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो DIG स्तर के अधिकारी है उनकी अगुवाई में बनाई जाए। उनकी अगुवाई जो सपन शर्मा DIG उनकी अगुवाई में यह टीम बनाई गई थी, उन्होंने जाँच की है। उस जाँच में ये पाया गया है कि ये भले ही केस 2015 का था और 2017 में कोर्ट जो था सुप्रीम कोर्ट था उसने जो समनिंग थी उसको क्वैश कर दिया था और इस मामले में ED ने भी कार्रवाई की थी और सुखपाल सिंह खरा 2 महीने तक जेल में भी रहकर आए थे, उसी मामले को लेकर इसमें ये बात आई सामने आई है। अब नई बात जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने निकाली है वो है कि जो NDPC एक्ट का सेक्शन 27A है उसके तहत ये कार्रवाई है जो की गई है। इसमें पनाह देना, पैसे का लेन देन करना और उसकी मदद करना शामिल है, ये बात ये पुलिस सूत्रों के अनुसार बताई जा रही है। उसके तहत की कार्रवाई करते हुए आज उनको गिरफ्तार किया गया, पर परिवार जो है स्पष्ट बात कह रहा है कि जो कार्रवाई है पूरी तरह से बदलाखोरी है। मनोज, देखिए सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनके बेटे को भी अभी हमने सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हुई थी, तब इस तरीके के कोई भी एविडेंस नहीं थे जिसमें ये आरोपी भी पाए जाते और दोषी की तो बहुत दूर दूर तक बात है और अब जाकर के ये कार्रवाई हुई है। तो ऐसी कौन सी चीज पुलिस के हाथ लगी है या फिर किसी ने बयान दिया है इनके खिलाफ जिसके आधार पर इस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया? हाँ देखो, बिल्कुल जो जिस तस्कर की जो ड्रग तस्कर की बात की जा रही है, जिस तस्कर को पकड़ा गया था वो इंटरनेशनल तस्कर है, उसका नाम है गुरदेव सिंह। उसके पास से ड्रग मिली थी, सोना मिला था, हथियार मिले थे, अनजायज हथियार थे, कार्टेज थे और जाली पासपोर्ट मिले थे। बड़ा इंटरनेशनल ड्रग तस्कर है, वो फाजिलका में रहता है और पाकिस्तान में उसके बहुत से लिंक थे। इस मामले को लेकर बार बार आवाज़ उठ रहे थे कि जो पंजाब में ड्रग तस्करी हो रही है उसके लिए बड़े जो मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मसले को लेकर जब इसके खिलाफ गुरदेव सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल गई, रैकेट होता है, एक नेक्सस होता है और उस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए।